केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माना जाता है कि ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। उन्हीं के स्वागत में घरों को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। प्रदेश में भी ओणम के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भिलाई में भिलाई नायर समाज द्वारा महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भक्ति और श्रद्धा के रंग बिखेरे। ओणम पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने शास्त्रीय नृत्य के साथ ही केरल के पारंपरिक नृत्यों से समा बांध दिया। इस दौरान केरल के पारंपरिक व्यंजन भी परोसे गए। कार्यक्रम में केरल समाज के लोगों के अलावा अन्य लोग और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। ओणम पर्व का समापन 8 सितंबर को होगा।